मेरा नाम विधि रखा गया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अभी मेरी उम्र कम थी कि मेरी मम्मी ने शोर मचा दिया, इसकी शादी करवा दीजिए। मैं तो अपनी शादी की बात सुनकर हैरान रह गई कि शादी और मेरी, वो भी इतनी जल्दी। पर इसके पीछे भी एक कहानी थी। जब मेरी मम्मी की शादी हुई वो 30 साल की थी और अब मम्मी का मानना ये था कि लड़की जितनी अच्छी और खूबसूरत होती है उतनी ही जल्दी पति के दिल में जगह बनाती है, क्योंकि जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती है उनके जिस्म पर चर्बी चढ़ने लगती है। वो ना चाहते हुए भी मोटी हो जाती हैं क्योंकि लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है या फिर कमाई यानी कि पैसा, और फिर उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो जाता है। औरत की शक्ल अच्छी हो तो वो बुरे ससुराल में भी अपना घर बना लेती है। पता नहीं मम्मी की ये बात कहां तक सही थी और कहां तक गलत, लेकिन सब लोग तो यही कहते थे कि तुम्हारी माँ ठीक कहती है। बस इसलिए मेरी शादी कम उम्र में ही तय कर दी गई। मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही कोई खुशी थी। मेरी उम्र 16 साल की थी, मेरे अंदर अकल भी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी शादी से कोई ज्यादा खुश भी नहीं थी। ये सोचकर के नए कपड़े मिल जाएंगे, हाँ बस इससे थोड़ी बहुत खुशी जरूर थी। चीजें मिलेंगी, मैं दुल्हन बनूंगी। मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होती है, पर मेरी शादी तय होने से 6 महीने पहले मुझे मेरी माँ ने मेरी बुआ के घर पर छोड़ दिया था कि इसको सारी ट्रेनिंग करवा दी जाए, सारे गुण सिखा दिए जाएं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही रहते थे, लेकिन उनके घर में काफ़ी सारी लड़कियां रहती थीं। मम्मी का कहना था कि लड़कियों के साथ रहेगी तो वो इसे सब कुछ सिखा देंगी, घर कैसे बनाना है, अच्छा खाना कैसे बनाना है, तैयार कैसे होना है, किसके साथ कब कैसे क्या बात करनी है वगैरह वगैरह। यानी मुझसे ऐसी तैयारी करवाई जा रही थी जैसे जंग पर जाने से पहले फौजी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। वहां पर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। वहां पर मेरी उम्र की काफी सारी लड़कियां थीं, मेरी 2-4 बहनें भी थीं वहां पर, और बाकी मोहल्ले की लड़कियां भी उधर आ जाया करती थीं। मेरी बुआ ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जिनका मुझे पहले पता नहीं था। मेरी शादी करवा दी गई और मैं अपने घर में आ गई। दुल्हन बनी, कमरे में बैठी, अपनी पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि जो बात बुआ ने मुझे बताई थी उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था। बुआ ने कहा था, तुमको नमस्ते करेगा, तुम नमस्ते का जवाब देना, अगर उसने नमस्ते नहीं किया तो तुम नमस्ते कर लेना। लेकिन मेरे पति ने तो मुझे देखकर कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने नमस्ते किया तो उसने जवाब भी नहीं दिया। उसने मुझे मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कमरे में बैठी ही नहीं थी। मुझे मेरी बुआ की बातें याद आने लगी जिनके मुताबिक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझसे दूर दूर भाग रहे थे। बाकी घर वाले तो ठीक थे, अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे, जैसे दुल्हन के साथ रस्में होती हैं वैसे मेरे साथ भी की जा रही थी। लेकिन मेरा पति मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मैं परेशान थी कि पता नहीं क्या बात है, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, अच्छी थी, कम उम्र भी थी, और मेरे मुकाबले में मेरे पति की उम्र बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि उसका वजन भी बढ़ा हुआ था, और मेरे साथ खड़ा हुआ तो वो मुझे मेरा बड़ा भाई लग रहा था। उन्हीं दिनों हमारे घर में मुझसे मिलने के लिए रिश्तेदार भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, मुझे रोज तैयार होना पड़ता था। कभी तो इंसान की नजर उस पर पड़ जाती है, कभी तो देख लेता है। मैंने इतने सारे रंग पहने थे, क्या उनमें से कोई भी रंग उसकी पसंद का नहीं था, जिसको देखकर मैं उसकी आंखों को अच्छी लग जाती और वो मुझे कह देता कि यहाँ आओ मेरे पास बैठो। पर यहाँ तो मेरे पास बैठना तो दूर की बात है, ये इंसान तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। बुआ ने जो जो बातें बताई थी वो मेरे किसी काम की नहीं थी।
मेहमानों के साथ एक औरत आई जो कि मुझे बहुत गौर से देख रही थी, और मैंने अपनी सास को बता दिया कि ये औरत मुझे बहुत देर से गौर से देख रही है। लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वो वैसे ही देख रही होगी, कोई बात नहीं, तुम उसको नजरअंदाज कर दो। और जब मैं उठकर पानी पीने के लिए अपने कमरे में आई तो उसी औरत ने वहां आकर अचानक से दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कहने लगी, हाय हाय, तुम तो बहुत मासूम हो, लेकिन बड़ी ही गलत जगह आ गई हो तुम। जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। तुम्हारी शादी कैसे इन लोगों ने इस मर्द से करवा दी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब देखा है मैंने, ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उस औरत ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दिया और अचानक से मेरी सास अंदर आ गई। उस औरत को पकड़कर वो उसे घसीटकर बाहर ले गई। वो मेरी सास से भी कहने लगी, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अब तक तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी सास ने भी उससे बदतमीजी की और उसको घर से निकाल दिया। बाद में मुझे ये बताया गया कि ये अपनी बेटी की शादी तुम्हारे पति से करवाना चाहती थी और वो नहीं हो पाई, इसीलिए अब तुम्हें देखकर जलन में आकर इस तरह की बातें कर रही है, वरना तुम अपने पति को देखो क्या खराबी है। वो अच्छा है, शरीफ इंसान है। वैसे खराबी तो मेरे पति में कोई भी नहीं थी, बस यही कि वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था और मुझसे ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। पर घर वालों को इस बात का पता नहीं था, इसीलिए बस इतना कहा कि सब ठीक है, उसने तुमसे कोई बात की है, तुम्हें कोई बात कही है या कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो। तो मैंने यही कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं अंदर की बात तो उन्हें नहीं बता सकती थी। बुआ ने मुझे ये भी समझाया था कि अपने पति के साथ कमरे में होने वाली कोई भी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छी पत्नी वो होती है जो अपने पति की बात को छुपाए। हमारे खानदान के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने भी पूछा, खुश हो? सबको मुंह फाड़कर यही कहना पड़ा, भगवान का शुक्र है। लेकिन असल में तो जो था वो मैं ही जानती थी। ये लोग काफी अच्छे थे जिनके घर मेरी शादी हुई थी, ज्यादा खुले दिमाग के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सैर करने के लिए दिल्ली तक भेज सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक छोटा सा गांव ही था जहां से शहर जाना बड़ी बात होती थी। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा कि वहां पर मेरे पति का माहौल बदल जाएगा तो शायद मेरे पति मुझसे कोई बात भी करें, लेकिन मेरे पति ने इनकार कर दिया और वो भी सबके सामने। उन्होंने पूछा, आप लोगों को हमें दिल्ली कितने पैसों में भेजना है? तो मेरी सास ने कहा, शायद 30,000 तो लग ही जाएंगे तुम दोनों के। मेरे पति ने कहा, वो 30,000 आप किसी मंदिर के चंदे में डाल दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। दिल तो मेरा बहुत दुखा ये सब सुन के, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो औरत तो झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर ये सब कुछ क्या था। यहां तक कि इसी तरह काफी सारे दिन गुजर गए। जब मैं अपने घर गई तो मेरी बुआ आई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि शादी कैसी जा रही है, तुमने क्या सबको इज्जत दी, पति के साथ किस तरह से पेश आई। लेकिन जब उनको मैंने सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना। मेरी बुआ ने मुझसे कहा, देखो बेटा, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औरतों में दिलचस्पी नहीं होती है, हम उनको नामर्द कहते हैं। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात तुम जैसी पत्नी और वो मर्द तुम्हारे पास तक ना आए। उसने तुमसे बात तक नहीं की? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मर्द के साथ इसी तरह का कोई मसला है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद जो बुआ ने मुझे चीजें बताई वो और भी परेशान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को औलाद भी नहीं होती, गांव वाले उन्हें बुरे नाम से बुलाते हैं।
किसी को ये बात पता चल गई तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी और न जाने क्या किया। ऐसी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब मेरे पति के साथ ही कोई दिक्कत थी, वो खुद से ये सब नहीं कर रहे थे। मैंने बुआ से पूछा, बुआ इन सारी चीजों का इलाज क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, देखो बेटा, इन चीजों के बारे में बात करने से, समझाने से भी हल किया जा सकता है, नहीं तो फिर बाबा के पास भी इलाज होता है और मेडिकल इलाज भी होता है। मैं तो ये बातें सुनकर परेशान हो गई, पर मेरी बुआ ने मुझे अकल दी। उन्होंने कहा, ये बातें अपने पति से मत करना जब वो तुम्हारे साथ बातचीत करे और तुम्हारे साथ थोड़ी दोस्ताना अंदाज में बात करे। उससे पहले इस तरह की कोई बात मत करना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। बुआ ने मुझे और भी बातें समझाई, पर मैं बहुत परेशान भी हो गई। वापस अपने घर आई और अपने कमरे की अलमारी की सफाई करने लगी। जब मुझे अलमारी में से एक बैग मिला जो कि बहुत पुराना और मिट्टी से भरा हुआ था। दुल्हन के कमरे में कोई भी पुरानी चीज नहीं होती, लगता है किसी ने रखा था और वो भूल ही गया था। लेकिन इस बैग पर एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ था जिस पर मेरे पति का नाम लिखा हुआ था, यानी ये मेरे पति का बैग था, तो इसका मतलब है कि ये मेरा ही हुआ। वैसे भी पति की हर चीज तो उसकी पत्नी की ही होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे खोलकर देख लेती हूँ। अगर आपको कोई चीज मिल जाए और फिर आप उसको खोलकर ना देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कमरे के अंदर से दरवाजा बंद किया और उस बैग को खोलकर देखा। लेकिन जब इस कदर की चीजों पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके अंदर रस्सी थी, एक कोड़ा था जो कि मैंने अक्सर टांगे और घोड़े वालों के हाथ में देखा था। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब किस्म के फंदे थे जो जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ चीजों की तो मुझे समझ ही नहीं आई। मैं अभी इन चीजों को देख ही रही थी कि अचानक मेरे पति अंदर आ गए और मैंने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, ये सब क्या है? लेकिन फिर उसके बाद वहां पर जो हुआ वो देखकर तो मैं हैरान रह गई। मेरे पति ने जैसे ही इस बैग को देखा वो पागल से हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर बैग मेरे हाथ से छीन लिया और उसके अंदर कोई लोहे की भारी चीज थी जो मेरे पांव पर लगा दी, और साथ ही उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छूने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पूछे बिना किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें ये तमीज सिखाई है तुम्हारे घर वालों ने? आगे से इस तरह से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। ये पहली बात थी जो हम दोनों पति पत्नी के बीच में हुई, और वो भी ऐसी। मैं रोने लगी और रोते रोते वहां से बाहर जाने लगी, तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया और कहा, अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक किनारे बैठ गई, सारी रात रोती रही। सुबह मैंने सोच लिया कि मेरे पति के साथ जरूर कोई बहुत बड़ी समस्या है, किसी ने उस पर जादू करवाया है या हमें नजर लग गई है, क्योंकि कौन 2 हफ्ते की दुल्हन को ऐसे मारता है? अपनी बुआ को फोन करके ये तो नहीं बताया कि रात को क्या हुआ था, पर इतना पूछा कि मुझे किसी बाबा के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा, जिस गांव में तुम रहती हो उसी गांव में एक बहुत मशहूर बाबा रहते हैं, तुम उनके पास चली जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैंने अगले दिन अपने घर जाने का बहाना किया और अपने छोटे भाई के साथ उस बाबा के आस्ताने पर आ गई। छोटा भाई 6 साल का था, उसे इन बातों की कोई समझ नहीं थी। फिर बाबा को देखा तो वो भी कम उम्र के लग रहे थे, मेरे पति की ही उम्र के होंगे, लेकिन उनके बारे में बहुत तारीफें सुन रखी थी, इसलिए मैं भी वहीं पर बैठ गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको सब कुछ बताया और कहा कि लगता है मेरा पति नामर्द है, उसको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप कुछ ऐसा करें तो शायद वो मेरी तरफ मायल हो जाएं, उनका दिल मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। बाबा ने जब मुझसे पूछा कि तुम किस घर से आई हो तो मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति के बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैंने झूठा नाम बता दिया।
उन्होंने कहा, आजकल तो ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, हर घर का यही हाल है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, लड़कियों को मर्दों में दिलचस्पी नहीं, मर्दों को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, उल्टी गंगा बह रही है। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दिक्कत को हल करूंगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दूंगा जो तुम्हें अपने पति को पानी में घोल कर पिलाना है, उसके बाद तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं देती रहोगी। 3 दिन तक तुम्हें यह करना होगा, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने मुझे कागज पर लिखकर कुछ दिया और मैंने 10,000 रुपए उनको दे दिए। मैंने बाबा को कहा, देखिए मैं बार बार नहीं आ सकती, अगर मुझे कोई बात पूछनी हो तो। उन्होंने कहा कि तुम मेरा नंबर ले लो, आराम से मुझे मैसेज कर देना। नंबर के ऊपर किसी औरत का नाम लिख लो ताकि किसी को पता ना चले। वहां पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, वरना ये भी तो हो सकता था कि अगली बार जरूर आना और फिर से आपको पैसे भी देने पड़ते। इसलिए मैंने उनका नंबर ले लिया और तभी उन्होंने मुझसे कहा कि पानी में घोलकर अपने पति को पिलाना, वो भी 3 दिन तक, रात को सोने से पहले। एक दिन तो मैंने पिला दिया और ऐसा मुझे कुछ असर नजर भी नहीं आया। दूसरे दिन भी मैंने अपने पति को कागज घोलकर पिला दिया, लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। वो कमरे में बैठे थे, जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में मेरा फोन था। मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर दिल को सुकून आया कि नंबर तो मैंने वैसे भी लड़की के नाम से ही सेव किया हुआ है और अभी तक कोई मैसेज भी नहीं किया हुआ था। मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे पति ने भी फोन एक तरफ रख दिया। वो थोड़ी देर तो खामोश रहे, फिर मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, तुमने मुझे बाबा का दिया हुआ कागज पिलाया है ना, तो मैं बताता हूं कि इसका मकसद क्या था। मेरे पति ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझ पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और साथ साथ मुझे ये भी बताया कि उस बाबा का तो मैंने वो हाल किया है जो किसी ने भी नहीं किया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें देख देख कर तो मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि यही मेरा शौक है, इसलिए तो मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, वहां भी मैं यही सब कुछ करता। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यहां तक कि घर वालों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं वहां से ऐसे निकली कि मेरी हालत देखकर सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। बस कदम चल रहे थे तो कदम भागती भागती घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे माँ बाप मेरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जाकर बात करते हैं। मैंने कहा, बस चलें, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मुझे यहाँ से ले चलिए। वो लोग मुझे लेकर दरवाजे से ही पलट गए। अब मुझे उस औरत की बात याद आई, वो सच्ची थी। और फिर मैं अपने पति के बारे में छानबीन करवाने लगी तो मुझे पता चला कि ये औरतों पर जुल्म करता है और इससे पहले भी 2-3 औरतों के साथ यही सब कुछ कर चुका है। उस औरत ने मुझे यही बात बतानी चाही थी और मैं समझ ना सकी। उस बैग में जो सामान था वो भी इसी सब के लिए था और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ ना पाई। बाबा साहब जिन्होंने मुझे कागज दिया उनके बारे में भी उसको पता चल गया था। उनको भी उसने धोखे से अपने पास बुलाकर मारा था, वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में थे। मेरा एक बहनोई वकील था, इसलिए डिवोर्स का केस डाला गया और मुझे डिवोर्स तो मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद मैं 6 साल तक अपने घर में बैठी रही, मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। या फिर 6 साल बाद मुझे एक इंसान का रिश्ता मिला, उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और पहले से 2 बच्चे थे। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा पति जो दूसरों पर जुल्म करता था आज बिस्तर पर पड़ा है और कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी टांगें बेकार हो गई थी। शरीर काम करता था, बस चारपाई पर पड़ा पड़ा चीखता चिल्लाता रहता था। ये सुनकर मैंने कानों को हाथ लगाए,
लेकिन भगवान के इंसाफ पर भरोसा था। जिससे मेरी शादी हुई वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनके दो बेटे हैं जो मुझे ही माँ कहते हैं। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले आप भी अच्छी तरह छानबीन कर लें अगर आप किसी को अपनी बेटी दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ये मत देखिए कि उनके पास कितनी दौलत है, कितने पैसे हैं, लड़के की कमाई कितनी है, बल्कि ये चेक करें कि वो अच्छा इंसान है भी या नहीं। आप अपनी लड़की का हाथ किसी शरीफ इंसान के हाथ में ही दीजिए।